Good morning guys, what's up? Welcome to another vlog. So I came back from Jodhpur, kali aayi hoon aur main bahut zyada drained hoon, bahut exhausted hoon because of two reasons. Ek meri galti hai, ek meri galti nahi hai. Pehla reason jo meri galti nahi hai wo hai ki garmi bahut bhayankar thi wahan pe. Itni garam hawa maine life mein, sach bata rahi hoon, main Punjab ki hoon. यूपी में मेरा जन्म हुआ है, मतलब मैं ऐसी स्टेट्स में रही हूँ जहाँ पे भयंकर गर्मी पड़ती है. इट्स नॉट लाइक आई एम फ्रॉम बॉम्बे एंड आई ऑलवेज लिव्ड इन बॉम्बे, तो मुझे पता है कि भयंकर वाली गर्मी क्या होती है. उसमें भी मुझे ऐसे लगा कि दिस काइंड ऑफ गर्मी जो मैंने राजस्थान में एक्सपीरियंस की वो मैंने कहीं पर नहीं की है. इतनी भीषण गर्म हवा. बट द डिफरेंस बिटवीन यहाँ की गर्मी एंड वहाँ की गर्मी वॉज कि यहाँ पे नमी होती है गर्मी में, इट्स वेरी ह्यूमिड, चिपचिप फील होता है गर्मी में, वो नहीं था वहाँ पे. बट इट वॉज वेरी वेरी हॉट, एक तो ये. दूसरा, काफ़ी लेट लेट तक जगी हूँ मैं वहाँ पे, लेट लेट तक पार्टी करी है मैंने वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ, ऑब्वियसली जिनको मिलने गई थी उनके साथ, तो इसलिए नींद भी पूरी नहीं हुई हुई है. एंड मैं लास्ट 3 या 4 रातों से कह सकते हो कि एवरी नाइट ऑन एन एवरेज मैं सिर्फ 5 घंटे सो रही हूँ और दिन में तो बिल्कुल सोने का नाम हुआ ही नहीं है, हार्डली हुआ है मतलब, ठीक है, एक दिन सोई थी. एनी वेज, सो कल जोधपुर से आके आज ऑलरेडी मेरा शूट प्लान करा हुआ था मैंने, आज शूट है. सो आज मेरी 3 वीडियोज लाइंड अप हैं, मैंने 3 वीडियोज सोची हुई हैं कि शूट करनी है और साथ ही साथ मुझे कुछ शॉर्ट्स और रील्स के लिए भी कॉन्टेंट शूट करना है. बिकॉज परसों फाइनली हम हमारे वो वाले ट्रैवल पे जा रहे हैं, जो मेन इंटरनेशनल ट्रैवल जिसकी मैं बात करती आ रही हूँ काफ़ी दिनों से. तो मैंने सोचा कि जब मैं वहाँ पे होंगी ना तो आई हार्डली हैव एनीथिंग टू पोस्ट बिकॉज आई विल बी इन दैट प्लेस इंजॉइंग एंड ऑल्सो व्लॉगिंग. तो ये तो कन्फर्म है कि वहाँ वाले व्लॉग्स तो एकदम से एडिट होने शुरू नहीं होंगे. सो आई थॉट कि जाने से पहले एक दिन ये शूट कर लेती हूँ और आज 3 वीडियोस शूट कर लेती हूँ, सो दैट 10 डेज के अंदर फिर मैं वो 3 वीडियोस धीरे धीरे वहां पे एडिट करके मैं डालती रहूंगी. तो आप लोगों को के पास भी कुछ देखने के लिए होगा और मुझे भी ऐसे दिमाग में ऐसे नहीं रहेगा बहुत दिल में कि अरे वीडियो नहीं जा रही है चैनल पे, वीडियो नहीं जा रही है. तो आज शूट कर लेती हूँ 3 वीडियोज और वो धीरे धीरे एडिट वहां पे जब जब टाइम मिला करेगा. लाइक आई फील लाइक वर्किंग, फॉर एग्जाम्पल कहीं पर बैठे एंड आई फील लाइक हाँ मेरा मन कर रहा है थोड़ा सा एडिट करने का, वहां पर मैं एडिट कर करके आप लोगों को वीडियोज पहुंची करा दूंगी, डिलीवर कर दूंगी. सो दैट्स द प्लान. अभी मैं आ गई हूँ ऑफिस घर से बिना नहाए धोए बिकॉज मोस्ट ऑफ माई स्टाफ वॉज हियर ओनली. यहाँ पे मैं अभी थोड़ा ऐसे फ्रेश होंगी, ऑब्वियसली मैं नहाऊंगी और ये सब, और सिर भी धोना है आज मुझे, बहुत गंदा है ये. मैं जोधपुर जाने से पहले धो के गई थी और सेट करके गई थी और अब वो उसके बाद अब धोंगी, सो दे वेरी वेरी ऑयली, तो वो करना है. सो येस, आई गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, तो मैं जल्दी से स्टार्ट करती हूँ बिकॉज 10 बजे भव्य आ जाएगा. नाउ भव्य इज अनदर पर्सन जिसके साथ मैं अब आजकल शूट करने लग गई हूँ बिकॉज अमित का क्या सीन है ना कि अमित बिकॉज शूट्स विद लॉट मेनी अदर यूट्यूबर्स एंड अदर पीपल, तो वो कभी कभी अवेलेबल नहीं हुआ करता था और उस वजह से मेरी वीडियोस लेट होती थी कि अगर मुझे शूट करना है बट आई डोंट हैव अमित अवेलेबल बिकॉज ही शूटिंग विद समबडी एल्स ऑन दैट पर्टिकुलर डेट जो मुझे सूट बैठ रही है. तो फिर आई वॉज लुकिंग फॉर अनदर वीडियोग्राफर कि भाई जब अमित नहीं हो तो आई कैन शूट विद समबडी एल्स ऑल्सो. सो येस, ही विल बी हियर बाय 10 o'clock एंड टाइम राइट नाउ इज ऑलमोस्ट 9:30. तो मुझे 30 मिनट्स में क्विकली अपने बाल बाल धोने हैं, शावर लेना है एंड देन जब वो आएगा तो हम शूट शुरू करेंगे. ओके, डन विद द शावर, मस्त मजा आ गया, बाल धो के काफी गंदे थे यार, 3 दिन राजस्थान की गर्मी के बाल थे वो. भव्या इज हियर, हाय भव्या, गुड मॉर्निंग. तो उसने सेटिंग स्टार्ट कर दिया, करनी है सब कुछ, अभी टाइम जाएगा, ही विल ओपन ऑल हिज थिंग्स, कैमरा गैजेट्स सब कुछ एंड देन वील स्टार्ट शूटिंग. सो आज हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको सेम बैकग्राउंड, ये जो मैं रखती हूँ यूजुअली ये मिरर वाला, वो ना रख के कुछ डिफरेंट करें. तो आई एम यूजिंग दिस यूनिट टुडे, इसको बैकग्राउंड में रख के वी आर ट्राइंग टू शूट समथिंग सो दैट आपको कुछ नया दिखे, नया मिले. एंड ऑल्सो वी विल बी शूटिंग यूजिंग दिस सोफा ऑल्सो सो दैट सब कुछ आज आपको डिफरेंट दिखे बिकॉज आई नो ये थोड़ा सा ज्यादा ही अब मैं लेने लग गई थी तो हो गया इसका काफी. डू यू गाइस रिमेम्बर दिस, मुझे नेहा ने गिफ्ट करी थी ये वाली इंसेंस स्टिक्स, बहुत ही कूल है यार ये लीव की शेप में. तो जब मैं शूट करती हूँ स्पेशली तब तो मैं डेफिनेटली ऐसे इंसेंस स्टिक्स बर्न करती ही हूँ. तो या वी गोना डू जस्ट दैट. अच्छा ये है इसके साथ, मैंने उस वीडियो में आप लोगों को बोला भी था कि इसके साथ एक स्टैंड भी था, इनकेस आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी थी गिफ्ट वाली, ये मुझे मेरी फ्रेंड नेहा चुंडावत चुंडू ने गिफ्ट की थी. तो इसके ऊपर ऐसे लगाते हैं एंड दैट्स हाउ यू बर्न इट. लुक एट दिस,
हैव कपल ऑफ पार्सल्स आल्सो. जब मैं जोधपुर में थी तब पीछे से आए थे, सो वी हैव टू ओपन दीज आल्सो. ये सामान है उस किसी और वीडियो का, तो मैं आपको अब इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगी ये, बिकॉज ये मेरी पैकेजेस आने शुरू हुए हैं एक वीडियो के जो मैंने प्लान की हुई है. सो दिस इज दैट. फॉर ब्रेकफास्ट दिस नमकीन सेविया एंड कोकोनट वाटर. कमू मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेके आया और मैंने पकड़ लिया कमल को. मैंने कहा कमू छोटी सी ड्रेस प्रेस कर जा. छोटी सी ही है क्योंकि मैं सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन ही प्रेस करवा रही हूँ इसमें, अदरवाइज कमू को इसमें एक घंटा लगेगा इस पूरी ड्रेस को ढंग से प्रेस करने में, है ना कोको? Yeah, perfect sewn. तो इसलिए मैंने कहा कमू बस इतना कर दे, वीडियो में इतना आएगा, नीचे से ऐसे ही रहने देंगे. बाय द वे ये मैंने मार्क्स एंड स्पेंसर से ड्रेस ली थी, तब से पड़ी थी, मैंने गोवा में पहनी थी लास्ट जब मैं वृत्ति के साथ गई थी, तो मैंने कहा यार आज कम से कम शूट में तो पहनूं इसे. ओके सो गॉट डन विद टू शॉर्ट्स एक्चुअली. एक मैंने हेयर की शॉर्ट्स की, हाउ आई ब्लू ड्राई माई हेयर, हाउ आई स्ट्रेटेड माई हेयर, वो भी शूट कर लिया है हमने और डेढ़ घंटा हो गया है. डेढ़ घंटे में आपको दो मिनट, एक एक मिनट की दो शॉर्ट्स बनी है गाइस, और अभी एडिटिंग होनी है तो वो टाइम अलग लगता है. सो जो आप एक मिनट की शॉर्ट्स देखते हो एक्चुअली उस पर दो दो घंटे का, तीन तीन घंटे का काम हुआ होता है, ठीक है? ओके नाउ वी आर सेटिंग अप फॉर फर्स्ट फुल फ्लेज्ड यूट्यूब वीडियो, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी मैंने बांद्रा हिल रोड से क्या शॉपिंग की थी. नाउ इफ यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम तो आप बोलोगे कि ये वीडियो तो तुमने बोला था स्टोरी डाल के कि आज मैं शूट कर रही हूँ, एंड दैट इज लाइक चार पांच दिन पुरानी बात है. सो इसकी कहानी ये है कि जोधपुर जाने से पहले एक दिन पहले मैंने डिसाइड किया था कि मैं ये वाली वीडियो खुद से शूट कर लेती हूँ, बिकॉज अदरवाइज मैं शूट पता नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी. सो मैंने यही कपड़े पहन के पूरी की पूरी ये वीडियो शूट की थी. उसकी मैं थोड़ी सी फुटेज आपको डाल देती हूँ, आपको साफ दिख जाएगा कि ये मैंने खुद से शूट की हुई है अपने कैमरे पे, बहुत ही रॉ सी, ठीक है? तो ये मैंने पूरी की पूरी गाइस वीडियो शूट कर ली थी डेढ़ घंटा बोल बोल के, बिकॉज मैंने बहुत शॉपिंग की थी बांद्रा हिल रोड से. सो वो मैं शूट करके गई थी. मैंने सोचा था जोधपुर में जब जब टाइम मिलेगा आई विल एडिट. तो अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो तो आपको ये सारी कहानी का पता होगा, ठीक है? और अगर नहीं कर रहे हो तो कर लो, तो आपको वहां पे अपडेट्स मिला करेंगे कि मैं अभी क्या कर रही हूँ, क्या एडिटिंग चल रहा है, क्या शूट चल रहा है. तो एनीवे सो नाउ आई रीच्ड जोधपुर. फर्स्ट डे मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, आपने व्लॉग देखा होगा, ठीक है? नहीं देखा हो तो देख लो जोधपुर वाला व्लॉग. सो उसमें मैंने बताया था आपको कि फर्स्ट डे आई डिडंट हैव अ लॉट टू डू बिकॉज अगले दिन का फंक्शन था. तो फर्स्ट डे मैं लेके बैठ गई अपनी एडिटिंग, मैंने कहा परफेक्ट है, रात को मैंने कहा चलो एडिट कर लेती हूँ. गाइस आई डिड नॉट लाइक द फुटेज. अभी क्या हो गया, अभी थोड़ा ऐसी हाई प्रोडक्शन वाली वीडियोज शूट करने की आदत हो गई है कि जब मैं उसको कंपेयर कर रही थी अपनी इस वीडियो से तो आई वॉज नॉट लाइकिंग द फुटेज. मेरे पास पूरी की पूरी ये वीडियो पड़ी है, इसकी फुटेज अभी भी पड़ी है. मैंने इनफैक्ट स्टार्टिंग के तीन मिनट एडिट भी कर लिए थे, बट आई जस्ट डिड नॉट लाइक इट. एंड देन आई टोल्ड माई सेल्फ कि वाई टू पुश इट, मतलब क्यों फालतू में फिर नीचे कॉमेंट्स में आता है कि इट्स अ बैड वीडियो, अच्छी वीडियो नहीं है, ये है वो है. तो फिर मैंने कहा यार ज्योति लेट्स जस्ट स्क्रैप दिस, मत कर इसको एडिट, छोड़. तो वो वीडियो स्क्रैप कर दी मैंने. नाउ आई एम रीशूटिंग दैट वीडियो एक्चुअली. सो ये जो अभी सेटअप हो रहा है इस वीडियो का, ये वीडियो ऑलरेडी मैं शूट कर चुकी थी यहाँ पे बैठ के, एंड क्योंकि इतनी अच्छी शॉपिंग थी आई डिडंट वांट कि वो वीडियो इतनी ओकेश हो कि वो कपड़े ही नहीं अच्छे लगे उस वीडियो में, तो वो वाला सीन भी हो रहा था. तो इसलिए मैंने कहा लेट मी जस्ट रीशूट इट. तो इसका अब सेटअप चल रहा है, विल डू दिस और उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वीडियो क्या शूट करनी है. आई हैव टू वीडियोज इन माई माइंड, एक क्यू एन ए है और एक और है, वो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, उसका सामान ये रहा. एनीवे दैट्स द होल स्टोरी. नाउ द सेटअप इज ऑलमोस्ट डन, लेट मी जस्ट स्टार्ट शूटिंग दिस वीडियो. यहाँ पे शूट करेंगे हम. इनफ ऑफ दिस मिरर.
इनफ ऑफ दिस सेटअप इन द बैकग्राउंड. मैं खुद भी बोर हो गई हूँ यार. इधर चल रहे हैं प्रोडक्ट शॉट्स बिकॉज ये ट्राई ऑन हॉल नहीं है, तो इस तरीके से मैं आपको इस हॉल में दिखाऊंगी कि कौन कौन से कपड़े लिए हैं. ये रहे इतने सारे कपड़े. ओके, मैंने चेंज कर लिया, वो पिंक ड्रेस हटा दी मैंने क्योंकि रेड सोफे में बैठ के हम लोग शूट करने वाले हैं ये वाली वीडियो, तो वो रेड के ऊपर पिंक वो मजा नहीं आ रहा था देख के, तो आई चेंज्ड. ये याद है आपको क्वाड सेट मेरा, ठीक है. अच्छा, ये क्वाड सेट मेरे को कम्मू ने दिया था और कम्मू ये रहा. कम्मू इज हियर, वी हैव टू शूट वन वीडियो टुगेदर आल्सो. तो कम्मू आ गया है, तो वो तब तक कम्मू मेरी हेल्प भी कर रहा है शूट में, एंड देन वी विल स्टार्ट शूटिंग द वीडियो टुगेदर. ओके गाइज, वी आर सेट, ऑल सेट फॉर आर नेक्स्ट वीडियो. कमल, तुम्हारी इस वक्त फेस पे सिर्फ दाढ़ी दाढ़ी दिख रही है, तुम्हारा मुंह दिख रहा है, नीचे देखना थोड़ा सा, ये देखो बाल और दाढ़ी. एनीवे, तो हम लोग हो गए हैं रेडी. या मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ, बट आज दिखती नहीं है तो मुझे, मैं ज्यादा से ज्यादा जो हेयर स्टाइल कर सकती हूँ वही करा है मैंने. पोनी कर ली है और निका. अच्छा वो छोड़ो तुम. अच्छा हाँ, माइक सुनो, अभी माइक की प्रॉब्लम हो रही है कि कहाँ लगाए माइक. हमारे पास एक है और बोलने वाले दो लोग हैं. बोलने वाला एक ही लोग है, मेरे सिर्फ रिएक्शंस है. तो तुम माइक लगाओ, हम पूरी वीडियो शूट करते हैं, उसके बाद मेरे ऊपर माइक लगा के मेरे सारे रिएक्शन ले लो. वैसे भी वीडियो में तुम भी ज्यादा बोलती हो, सही बात नहीं है तुम्हारा. हाँ अच्छा है, बुरा है, बस ये लेना पड़ेगा है ना. यस. एक दो वो भी, एक मेरा क्लोजअप इसका भी ले लियो. कभी मुझे लगता है कि हम जैसे यूएन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे और एक वो जो वक्ता नहीं होता जो बोलता रहता है, उसके बगल में ट्रांसलेटर भी होता साइन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने वाला, मुझे लगता है क्योंकि मैं वो हूँ. इस दुनिया में आपको अपनी जगह बनानी पड़ती है, आवाज अपनी सुनवानी पड़ती है. हाँ, ये दुनिया के लिए है, बीवी के लिए नहीं लागू होती. बीवी पे तो सबसे ज्यादा लागू होती है. पकड़ो कहाँ लगाए ये बताओ. तुम लगाओ, तुम वैसे भी धीरे बोलते हो, मैं तो तेज बोलती हूँ, तो पकड़ लूंगी आवाज. भाई तू इतना बार बार फूई गिरती जा रही है. वो गिरती है सबकी, उसकी अमित वाली भी गिरती है. हाँ, अमित को भी पहले बोलती थी, बार बार गिर जाती है तेरी स्पंज, इसकी भी गिरती है. तो मैंने कहा इनकी प्रॉब्लम नहीं है, नहीं माइक में ही प्रॉब्लम है. कितना सुंदर माइक लगाया कमल, अंदर से तो लगाओ तार यार. कमल सीरियसली, ऐसे नहीं अंदर से लगाना है. ऑब्वियसली यार, सी देखो मैं हूं एक्टर. हम तो हमारे साउंड वाला लगाते हैं, हमें नहीं पता कैसे तुझे क्या लगना है. हां सुनो, तुम्हें हमसे भी इतना बोलते भैया आप छाती के बाहर फंस गए माइक में, रुको वो खींच के निकाल लेते हैं. अच्छा ओके ओके, मेरा मुंह बहुत ही कमल है, इतना तो मैं तो खा भी नहीं रही हूँ यार जितनी मैं. ये देखियो यार, डबल जी नहीं आई यार, ट्रिपल ही हो गया अब तो. तूने ये नहीं बोला मेरा मुंह मोटा लग रहा है. नहीं मेरा हो गया है, पर मैं क्या खा रही हूँ यार. तुम्हारा दिमाग अच्छा, यहाँ से दिखता भी तो है. इतना तो है भी नहीं तुम्हारे पास, बच्चा खाली हो गया, बचा ही नहीं है. सराउंड साउंड होता अंदर से. देखो पहले मेरा फेस ऐसे होता था, नमस्कार देवी सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन, कौन बनेगा करोड़पति से आज हम खेलेंगे कौन बनेगा स्नैकपति. आज हम अलग अलग तरीके के स्नैक्स ट्राई करेंगे. मई एंड ज्योति, बाय द वे जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है वो है, इसमें वी आर ट्राइंग ऑस्ट्रेलियन स्नैक्स. बाकी की सारी कहानी मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगी जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं. इन शॉर्ट बता रही हूँ व्लॉग में कि वी आर शूटिंग अ वीडियो कॉल्ड ऑस्ट्रेलियन स्नैक्स, ट्राइंग आउट इंटरनेशनल स्नैक्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. यो माइट, इसकी वो बाकी कहानी मैं उस वीडियो में बताऊंगी क्यों कर रहे हैं और कैसे हमने अरेंज किए हैं. एनीवेज ओके लेट्स गेट स्टार्टेड. चलो भव्य आवाज चेक करो एक बार, अगर हम उधर लगाए मैं तो पकड़ लूंगा. मैं ऊंचा बोलती हूँ ना यार, कम्मू बहुत धीरे बोलता है मेरे से. एक्चुअली बहुत सारी वीडियोज जिसमें हम साथ होते हैं ना, उसमें मैं कमल की, जब भी कमल कुछ बोल रहा होता है मैं उसकी आवाज थोड़ी सी, थोड़े डेसिबल्स ऊपर करती हूँ अपने से मैच करने के लिए. अपनी नीचे नहीं करती हूँ, मेरी भी नीचे कर दी तो दोनों की ऐसे लगेगी जैसे कि मुझे ऐसा लगता है. देखो अगर वो तुम्हें लगता है कि उसमें प्रॉब्लम आएगी आएगी तो हमें इसी से काम चलाना चाहिए, बिकॉज अगर वो प्रॉब्लम आती है तो एडिटिंग में भी और प्रॉब्लम इस एंगल से मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ. कमल तुम यहाँ पकड़ के वैसे बैठ जाओ, ऐसे वीडियो तुम पूरी वीडियो यहीं शूट कर दो. हाँ 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 चलो 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 ऐसे ही शूट. कंटूरिंग कर ली थी, कंटूरिंग की है तब ये हाल है मेरा. इट्स ओके चलो बहुत सुंदर कर रहे हैं. कमल बाल बिना बाल हाथ लगाए करो, बिना बाल हाथ लगाए मुंह लगाए. चलो रेडी
ओके कर दूं बंद या फिर टेप नहीं आती हुई लगाने के लिए ये अंदर ऐसे चल रहा है आती है जिम में मिलती है 6 महीने बाद है टेप आती है जिम में मिलेगी 6 महीने बाद रेगुलर जाओगे तो एलिजिबल हो जाते हो आप फिर चलो रेडी ओके डन विद अनदर वीडियो मतलब जो अभी मैंने आपको स्नैक्स वाली वीडियो करी है वो काली वो हो गई है वीडियो बट पेट बहुत भर गया है चाहे सब हमने थोड़ा थोड़ा सा ही खाया है बट काफी हो गया ऑप्शंस क्योंकि बहुत ज्यादा थे वैरायटी बहुत ज्यादा थी तो इसलिए थोड़ा थोड़ा भी खा के ऐसे पेट ज्यादा भर गया है तो अभी आई विल डू द लास्ट वीडियो और एक दो रील्स हैं हाँ रील है शूटिंग द लास्ट वीडियो शाम के 7 बज चुके हैं सुबह 10 बजे हम लोगों ने शूट शुरू कर दिया था लाइक आई वॉज इन फ्रंट ऑफ द कैमरा 10:15 के आसपास कम्मू इज नाउ लीविंग बिकॉज मेरी लास्ट Q&A video hai. Yes, I'm done. It was a very productive day. Haan, because Kammu also actually shot thoda sa kuch usko bhi chahiye tha. Utte time maine rest kar liya tha, choti si nap le li thi. So, bye Kammu. Bye. Haan, abhi thodi energy low ho gayi hai, obviously. Now, by the end of the day, hui jata hai when you're shooting multiple videos in a day. And upar se aap kyunki har video mein baat kar rahe ho na, to isliye ho jata hai. To ek to wo, dusra, my pain has started. I am gonna talk about दिस पेन इन द वीडियो थोड़ा डिटेल में बात करूंगी बिकॉज जब तक मैंने Q&A का सोचा था ना कि मैं Q&A करती हूँ आज एक शूट तब तक मेरे दिमाग में ये नहीं था कि हेल्थ अपडेट देना है इसमें बट मुझे इतने सारे क्वेश्चंस आए हेल्थ रिलेटेड कि मुझे लगा एक्चुअली दिस वीडियो इज द बेस्ट टू शेयर द हेल्थ अपडेट विद यू गाइज एंड ऑल्सो आई एम गोइंग थ्रू दैट पेन राइट नाउ तो आई कैन जस्ट फील एवरीथिंग एंड आई विल बी एबल टू टॉक अबाउट इट और ज़्यादा आराम से anyway, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं शूट आई विल सी यू गाइस लेटर और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं लास्ट वीडियो की तैयारी जिसके लिए ना डिफरेंट डिफरेंट ऐसे पहले लाइटिंग और शॉट्स वगैरह ऐसे थोड़े लेते हैं चेक करने के लिए कि कौन सी बेस्ट लग रही है तो यहाँ पे इसीलिए आपको दिख रहा है मैं बार बार इंट्रो ले रही हूँ विद डिफरेंट थोड़ा सा लाइटिंग चेंज करके फिर जो लगता है कि ये बेस्ट लग रही है उस पर हम वीडियो शूट करना शुरू करते हैं ओके गाइज हो गया हमारा शूट थोड़ा सा एंड में आके मतलब मैंने व्लॉग थोड़ा किया नहीं जब मैं मेकअप रिमूव करने लगी तब मुझे याद आया अरे व्लॉग नहीं किया तो डन विद द शूट अभी मैं जा रही हूँ घर और टाइम हो गया है 9 बज गए हैं तकरीबन 9:15 हुए हैं अब चेंज करूंगी हल्का सा रेस्ट करूंगी घर पहुंच के अभी तो ट्रांसफर चल रहा है एक्चुअली सारी फुटेज भव्य ट्रांसफर कर रहा है वो करके घर जाके हल्का सा रेस्ट करके देन आई विल फिनिश द जोधपुर वाला जो व्लॉग है मेरा उसका कल थोड़ा सा एडिट रह गया था और सुबह से मैं शूट कर रही हूँ तो मैं कर नहीं पाई जाके मैं थोड़ी एडिटिंग फिनिश करूंगी आई थिंक 1 घंटे का काम और रह गया उस वीडियो पे वो करके मैं फिर उसे सेट कर दूंगी कल के लिए कल आप जोधपुर वाला व्लॉग देख पाओगे ये व्लॉग तो आप बहुत लेट देख रहे होगे सो या दिस इज इट हैड अ गुड डे एट शूट सिर्फ थोड़ा सा ज्यादा थक रही थी आज मैं बिकॉज मैं लास्ट 3-4 रातों से ढंग से सोई नहीं हूँ जोधपुर में भी नहीं सोई और उससे एक रात पहले जोधपुर से पहले मैंने बताया था ना हमारे एक नेबर्स के यहाँ पे डिनर था वहां से भी लेट हो गए थे सोना वोना सब लेट हो रहा था तो लास्ट 3-4 रातों से मैंने ढंग से नींद नहीं ली है सो सिर्फ एक वो चीज हुई है और मेरा फेस वॉश कहाँ है फेस वॉश मेरा अभी भी मेरे लगेज में आई थिंक क्योंकि मैंने अभी तक अनपैक भी नहीं किया मतलब टाइम ही नहीं मिला ना अनपैक कैसे करूँ आइए एक सेकेंड सो यहाँ पे चल रही है फुटेज ट्रांसफ़र और साथ साथ भव्या रैप अप कर रहा है मैं भी रैप अप कर रही हूँ और फिर दोनों हम साथ निकलेंगे फाइनली फुटेज ट्रांसफर फाइनली रैप्ड अप द शूट इट इज गुड डे 3 यूट्यूब वीडियो शूट करी एक मैंने ये खुद से व्लॉग शूट किया और साथ में 2 रील्स/शॉर्ट्स
शूट की, तो काफी कंटेंट शूट किया है। अब मैं बहुत ही पीसफुली आराम से अपने ट्रैवल पे निकल सकती हूँ, और ट्रैवल पे जब जब मेरा मन करेगा थोड़ा थोड़ा एडिट कर करके आपके लिए वीडियोस लाइन अप हो जाएंगी, ठीक है। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। कल मैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू करूंगी क्योंकि कल मुझे थोड़ी बहुत तैयारियों के लिए बाहर जाना है, तो आई फील लाइक ब्लॉगिंग, तो इसी ब्लॉग को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट, आई विल सी यू गाइस टुमारो मॉर्निंग, बाय बाय। गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज द नेक्स्ट डे, और मैं बहुत थोड़ा जल्दी में हूँ बिकॉज मैं यूजली, आपको पता है, लेट होती नहीं हूँ, बट आई थिंक आज जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ के लिए 5-10 मिनट में लेट हो जाऊंगी। मेरा 11:30 का अपॉइंटमेंट है सैलॉन का, बिकॉज कल हमें निकलना है, तो आज मुझे अपने हेयर कलर में करवा रही हूँ, बिकॉज इस बार जब मैंने हेयर कलर कराया था, मैंने डिसाइड कराया था कि मैं एक साल वेट नहीं किया करूँगी, अपने बालों को अच्छे से रखूंगी, रेगुलर स्पा कराऊंगी, और टचअप भी कलर का जो है वो थोड़ा सा जल्दी कराऊंगी, यानी 6 महीने में एक बार। तो जून में मैंने सोचा था, बट अब मई में मैं करवा रही हूँ, बिकॉज अब जाना है हमें, तो वो है, प्लस फेशियल करवाना है, और क्या, नेल्स करवाने हैं, पेडिक्योर करवाना है, इस तरीके की चीज़ें। तो आज का सारा दिन इसी में जाएगा, बिकॉज थोड़ी लंबी सर्विसेज हैं ये सारी की सारी। फेशियल में भी ऐसे 2 घंटे लगेंगे, नेल्स में 2-3 घंटे लग जाएंगे, पेडिक्योर है, हेयर कलर में तो बहुत ही टाइम लगेगा, तो वो सारी चीज़ें हैं। अभी मैं ट्रैफिक सिग्नल पे हूँ, तो मैंने कहा व्लॉग कर लेती हूँ जल्दी से शुरू। ओके, लाइट हो गई है, बाय। हाँ, सो मैं बता रही थी कि आज मेरा सारा दिन इसी में चला जाएगा, और उसके बाद फिर आके शाम को मैं शायद थोड़ी सी पैकिंग शुरू करूंगी, बट आई थिंक मैं आज शायद पैकिंग शुरू ना करूँ, बिकॉज मैं एक्चुअली कल स्ट्रेट 5वीं रात थी जिसमें मैं अगेन नहीं सोई हूँ, बिकॉज कल मुझे जोधपुर का व्लॉग एडिट करना था। 70% मैंने परसों कर लिया था, लेकिन जो रह गया था उसमें मुझे आराम से 1-1.5 घंटा लग गया। तो पहले ही मैं शूट करके लेट आई थी, 10 बजे तक तो मैं घर पहुंची थी एग्जैक्टली, डेटा वगैरह ट्रांसफर करके, उसके बाद फिर मैं आके थोड़ा सा रेस्ट करके फिर शुरू किया, तो मेरे को फिर से 12-1 बज गए थे सोते सोते। थंबनेल बनाना था, डिस्क्रिप्शन तैयार करनी थी, वो करते करते, और फिर से मैं सुबह अपना 7:30 बजे उठ गई थी, तो इसलिए मैं फिर से कम सोई हुई हूँ। तो आज आई थिंक मैं पैकिंग शुरू नहीं करूंगी, आज मैं बहुत ज्यादा सोना चाहती हूँ रात को आके, और फेशियल के बाद मैं रिलैक्स भी हो चुकी हूँ, तो इसलिए कल पैकिंग शुरू करेंगे। ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, मैं एक एक लाइट पे मतलब 2-3 बार रुक रही हूँ, इसीलिए व्लॉग भी कर पा रही हूँ। ओके बाय। रीच्ड। ओके ओके। ठीक है, जिस तरीके का ये हो रखा है हाईलाइट, उस पे एक और अच्छा लगेगा, राइट, जो हम डिस्कस कर रहे हैं। और दिस मे बी अ लिटिल बिट मोर ऑन द वायलेट साइड, दीस टू लुक रियली नाइस, वी कैन मिक्स दीस टू ऑल्सो। ओके गाइज, रात हो गई है, सैलून से मैं अब फ्री हुई हूँ, और 8 बजे हैं, 8 बजे अब मैं निकल रही हूँ, मैं 12 बजे की आई हुई थी, 11:45 की एक्चुअली। सो यस, लेट्स गो होम। कमो, मैंने बालों का क्या करा लिया? कमो कमो, क्रेजी हो गया काम। कमो वेट, अंदर डाल के आई हूँ मैं अपनी शर्ट के अंदर बाल। ओके, कलर करा है ना? हाँ, रेड। बहुत अच्छा लग रहा है। पक्का? ओह यस, ऑफ कोर्स। मतलब मैंने बहुत प्रॉपर वाला रेड करा लिया है। हाँ हाँ, आई नो। वो लास्ट वाला जो था ना, मैंने जब एक बार बहुत पहले कराया था, 1-2 साल पहले, तब मैंने हल्का वाला रेड कराया था। नो, नाउ आई कैन सी क्लियरली रेड। ठीक है, अच्छी लग रही है तो। अच्छा ठीक है, मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा कि कमू, तूने बोला था ना कि क्रेजी नहीं कराना कुछ, पर तुम कटिंग के लिए बोल रहे थे, बस कट नहीं कराने बाल। मत करा तू, जो तुझे कराना करा, अच्छे तो लग रहे हैं, राइट नॉट, कट मत करा, जो तुझे कराना करा। ये क्या होता है, ये कैसी परमिशन होती है? कुछ कभी कुछ करा लिया, बट आई लाइक इट, दे लव इट, दे लुक लवली कोको। ओके, तो आप लोगों को मैंने बाल जो अभी इसलिए नहीं ऐसे इस वक्त पे एग्जैक्टली इसलिए दिखा रही हूँ, बिकॉज समझ नहीं आएगा कुछ ज्यादा,
तो जो मैंने एक क्लिप लगाई है ये यहाँ से आपको समझ आएगा, बिकॉज ये प्रॉपर ऐसे मैंने लाइटिंग में ली है। बाकी आपको कल से जब भी मैं व्लॉग करूंगी तो आपको अच्छे से बाल दिखाई देंगे। तो या ओके, अब गई हूँ मैं बहुत ज्यादा थक। वैसे तो मैं रिलैक्स करके आई हूँ, बट होता है ना इतनी देर चेयर में बैठे बैठे हो जाता है। एटम वॉक करके आए क्या अभी? हाँ, अच्छा फिर बाहर चले? नहीं इट्स ओके। तो व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। अतु बेबी मिलो, छू ना बेबी, जो पानी पियो ना बेटा, बिस्किट खाओ। ठीक है, तो आई विल सी यू गाइस सुपर सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। इस वाले के लिए इतना ही, आराम करना है, चिल करना है। 9 बज गए, 9 नहीं 9:30, कितने बज गए? 9 बज गए। ओके 9 बज गए एंड आई एम वेरी हंग्री। मैंने सिर्फ लंच किया हुआ है 2 बजे का। शाम को कुछ नहीं खाया? शाम को कुछ नहीं खाया, जीरो। मेरा जिस टाइम पे वो टाइम था उस टाइम पे मेरा फेशियल चल रहा था, तो इसलिए ठीक है। चलो ठीक है, ओके गाइस बाय बाय। गाइस लवली हेयर गो गो, थैंक यू।